हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जायरवान व्लॉग्स पर। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने ऑनलाइन एक सामान परचेज किया है। तो दोस्तों, मैं उस सामान आपको बताऊँगा और उसकी डिटेल बताऊँगा और बताऊँगा कि ये सामान मुझे कितने का पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊँगा। तो दोस्तों, मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की रैपिंग भी हो रही है। तो दोस्तों, मैंने इसमें मंगाया है 20 वाट का ग्लू गन, जो कि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो कैसे काम करेगा और क्या डिटेल होंगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में। दोस्तों, मैं इसे पेपर कटर के माध्यम से काट लेता हूँ। दोस्तों, मैंने ये ग्लू गन परचेज किया है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये है मेरा ग्लू गन और इसकी कुछ इस तरीके से पैकिंग हो रही है। और ये डिब्बे में आया फ्लिपकार्ट के। और दोस्तों, आप देखोगे यहाँ मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, जो मेरी पूरी डिटेल है वो लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये मुझे कितने का पड़ा और कैसे काम करता है, ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, ये है मेरा ग्लू गन 20 वाट का, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। इसमें ये जो बटन है, इससे ये ग्लू निकालता है और इस बटन के जरिए ये ऑन ऑफ होता है। और दोस्तों, जो इसकी वायर है वो मैं आपको बताता हूँ कितनी लंबी वायर है। तो दोस्तों, ये करीबन 1 मीटर की वायर है ये। और दोस्तों, इसके साथ आती है ये ग्लू स्टिक्स, देखिए ये। दोस्तों, कुछ कितनी स्टिक है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। दोस्तों, मुझे इसके साथ 9 स्टिक्स मिली है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। हम इसे इस तरीके से बैंड भी कर सकते हैं, एक रस्से के उसमें बन जाता है, देखिए। तो दोस्तों, ये 11 mm की स्टिक है और 7 mm की स्टिक है। दोस्तों, ये जो स्टिक आती है और जो ये मशीन आती है, ये मशीन 40 वाट की भी आती है और 10 वाट की भी आती है और 20 वाट। तो दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ी मीडियम क्वालिटी की 20 वाट की मंगाई है। और 20 वाट की में दोस्तों, ये 11 mm की और 7 mm की ग्लू स्टिक लगती है। ये दोस्तों ग्लू स्टिक है। और दोस्तों, ये मुझे फ्लिपकार्ट से 254 रुपये का पड़ा है, आप भी इसे परचेज कर सकते हो। और दोस्तों, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका वर्क, ये कैसे काम करता है और ये किस किस चीज़ को चिपका सकता है। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये ग्लू गन की मैं टेस्टिंग बताता हूँ आपको। दोस्तों, इसको हमें पावर प्लग में लगाना पड़ेगा। दोस्तों, हमने इस पावर प्लग में लगा दिया है और इसमें यहाँ रेड लाइट ब्लिंग हो रही है, आप देख सकते हो। और इसको चलाने के लिए हमें इसमें ग्लू स्टिक लगानी पड़ेगी, जो कि कुछ इस तरीके से हमें लगानी होगी, ऐसे घुमा घुमा के लगाए। और दोस्तों, ये 20 वाट का ग्लू गन है तो इसे गर्म होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। और जो 40 वाट का ग्लू गन आता है, उसे गर्म होने में मात्र 2 मिनट लगता है। तो दोस्तों, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इससे पहले तो आपको ये गत्ता चिपका के बताऊंगा आपस में, दो ऐसे गत्ते कि ये चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे। तो दोस्तों, इसे एक शेप में काटता हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सी ऐसी YouTube की वीडियो में देखा होगा जिसमें ये ग्लू गन प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर इस चिपकाना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, ऐसे इस बटन को दबाए और ऐसे से ग्लू निकलेगा और इसको थोड़ा जल्दी चिपका दें इसको। तो दोस्तों, इसका जो ग्लू है उसको चिपकने में थोड़ा टाइम लगता है, देखिए ये एकदम इस तरीके से चिपक चुका है, देखिए। वाह दोस्तों, ये कितनी अच्छी तरीके से चिपक चुका है। दोस्तों, यही हट रहा है, लेकिन इसमें जो हमने यहाँ चिपकाया था वो नहीं हट रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो चिपकाया था ये रहा ग्लू। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस गत्ते को चिपका देता है, लेकिन देखना ये है कि ये प्लास्टिक को
चिपकाएगा या नहीं चिपकाएगा। तो दोस्तों मैंने लिए है दो पेन, अब ये पेन मुझे चिपकाने आपस में, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं ग्लू करता हूँ यहाँ और ऐसे इसको चिपका दूँगा मैं थोड़ी देर। दोस्तों इसको पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि जो इसका ग्लू होता है उसे लगने में थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। तो आप देखोगे कितने शानदार तरीके से चिपक चुका है दोस्तों भी। तो दोस्त देखिए कितने अच्छे तरीके से चिपक चुका है, आप देखोगे आसानी से। मैं घुमा भी रहा हूँ इसको, मैं देखिए ये दो प्लास्टिक्स को आपस में चिपका देता है। देखिए देखिए खूब घुमा लो मैं इसको, लेकर नहीं निकलेगा ये दोस्तों। प्लास्टिक्स को अब चिपका सकता है आपस में, इसको छुड़ाऊँगा मैं, काफ़ी टाइट छूटा है। तो दोस्तों मेरे पास सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड को मैं इस गत्ते में चिपकाऊँगा। तो ग्लू डालनी है कुछ इस तरीके से, सर्किट बोर्ड को ऐसे लगा देना है। सर्किट बोर्ड हो या कोई बैटरी हो, सेल हो, उसको आप इस तरीके से चिपका सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों इसका ग्लू सूख चुका है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक चुका है, देखिए। तो दोस्तों ये ग्लू गन काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर, लेकिन हमें दोस्तों अब देखना है कि ये लोहे की पत्तियों को चिपकाएगा या नहीं चिपकाएगा आपस में। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये दो लोहे की जो ये पत्ती है, इस पत्तियों को मैं आपस में चिपकाऊंगा और देखता हूँ कि ये चिपकेगी नहीं चिपकेगी। तो दोस्तों इनमें से एक पत्ती पर मैं ग्लू डालूंगा कुछ इस तरीके से और दूसरी पत्ती को ऐसे चिपका दूंगा। तो दोस्तों लोहे को ये चिपका पाएगा या नहीं चिपका पाएगा देखते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से चिपक चुके हैं, देखिए लोहे की पत्ती भी, देखिए। तो दोस्तों आपका हमारा ये ग्लू गन कैसा लगा? और दोस्तों ये हमारा वो ग्लू गन है, तो दोस्तों ये काम करने के 5 से 7 मिनट तक गर्म रहता है, इसको आता लगाए। और दोस्तों इसके जरिए हम फाइबर चिपका सकते हैं और फाइबर में ये सर्किट चिपका सकते हैं, प्लास्टिक चिपका सकते हैं और ये ब्लेड चिपका सकते हैं। तो दोस्तों हम इस चैनल पर अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि ये ग्लू गन कैसा लगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए।